नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री साइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। लखनऊ के चिनट में पुलिस ने आज अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। डीसीपी पूर्वी चारू निगम ने बताया, ये लोग नकली शराब बनाकर व फर्जी लोगो लगाकर दुकानदारों को सप्लाई करते थे। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 75 लाख रुपये बताई जा रही है और बरामद की गई शराब की मात्रा 2400 लीटर से ज़्यादा है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर यूरिया व अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाकर शराब बनाते थे और खाली बोतलों में भरकर फर्जी लोगो व स्टिकर लगाकर बेचते थे, जिससे किसी को शक नहीं होता था। इन लोगों की सरकारी ठेकों पर भी मिलीभगत की सूचना मिल रही है। डीसीपी चारू निगम ने बताया, पुलिस अन्य संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब सवाल ये है कि आखिरकार कैसे पुलिस की नाक के नीचे ये शराब माफिया नकली शराब बनाकर वह उसकी सप्लाई कर लोगों की जान से खेल रहे थे। द्वारा पूछा गया है, इनके जो सरगना है उनकी तलाश की गई, अभी नहीं मिले हैं, उनकी तलाश आगे जारी रहेगी। लगभग 75 लाख के करीब अपमिश्रित शराब मिली है। देसी दो ब्रांड्स हैं, विंडीज और पावर हाउस, इनकी कुछ बॉटल्स भी प्राप्त हुई हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर रहकर इस प्रकार से काम कर रहे थे। प्राइमा फेसी जो सरगना है वो एक आदित्य कुमार है और ये सौरभ मिश्रा ये प्रतापगढ़ के हैं। बाकी इनके कुछ साथियों के नाम इन लोगों ने बताया, जिनकी तलाश हम लगातार अभी कर रहे हैं। गुलशन, अभिषेक, रिशु, परेश, विकास, ये 6-7 लोगों के नाम प्रकाश में आ गए हैं, जिनके विरुद्ध लगातार पुलिस दबिश देकर अग्रेतर कार्रवाई करेगी। ये जो ब्रांड नाम पाया गया है पावर हाउस, ये लखनऊ में रिस्ट्रिक्टेड है शायद, तो ये किस किस जनपद में सप्लाई होता था, कहाँ कहाँ इनका नेक्सस था, किन जिलों में, अभी इसकी जानकारी की जा रही है। विवेचना का विषय है, आगे निकल के आता है तो अग्रेतर कार्रवाई इसमें की जाएगी। किन किन जिलों में सप्लाई होती थी, कहाँ इन्होंने बताया, इसकी जानकारी भी नहीं, पता कर लेते हैं। काफी सारे जो है पैकेजिंग मटेरियल है, तो जिस में अपमिश्रित लोग करते थे वो सारी चीजें अभी विवेचना में आ जाएगी। डिटेल्स निकल के आती है तो आपको बताया जाएगा। अभी से कौन से दो ब्रांड आप बताएंगे, पावर हाउस और विंडीज, इनकी बॉटल्स और सैंपल भी प्राप्त हुए। इसमें 12 ड्रम भर के जो है अपमिश्रित शराब मिली है, कुल इसमें 2400 लीटर के लगभग होगा और 9 जेरिकेन प्राप्त हुए हैं, 415 लीटर के अराउंड मिली हुई जो रेडी थी ये फिल करने वाले थे, 6 पीपीए छोटे बड़े जिससे ये ट्रांसफ़र करते हैं, 304 पेटी पावर हाउस के और 1360 बॉटल कुल शराब इसमें अपमिश्रित सैंपल बरामद हुए हैं। और बाकी स्केलेबल बॉटल्स हैं, किसमें मिलाते थे और कैसे कितना मीटर हो गया, मीटर इंटेंसिटी ये अल्कोहल की चेक करते थे, तो वो सब बॉटल्स मिली हैं और इस प्रकार से सारे मिला हुआ है। ये सब FSL में भेजा जाएगा, सबकी टेस्टिंग होगी, जो चीज़ें निकल के आएंगी तो पता चलेगा। मिश्रण कर रहे हैं, घर में मिलाकर मिश्रित नहीं की जा सकता, वो सब FSL भेजे जा रहे हैं, इसमें जब रिपोर्ट आएगी तो उससे जहरीले होने की भी पुष्टि की जा सकती है। बिल्कुल, इसके ऊपर आबकारी को कार्रवाई करनी चाहिए, सूचना दी जा रही है, उसमें आगे रहता है जो भी कार्रवाई करेंगे वो आबकारी का कार्य है। जो मटेरियल इस्तेमाल करते थे, जो आपने बरामद किया, ऐसा है जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो नहीं होना चाहिए था, इसमें यूरिया मिला है, अल्कोहल मिली है कंडेंस्ड फॉर्म में, जिसको वो जिस भी मात्रा में मिलाते रहे होंगे उनके लेखा वही लेखा नहीं मिला है कि कितना किसमें मिलाते थे, बट यूरिया इन एनीवेज इज नॉट एप्लीकेबल कि वो घर में रख के मिश्रण करें। देखिए, इसमें मानक के अनुसार नहीं बना रहे हैं, इसमें कब कौन सा मात्रा कम ज्यादा हो जाए, तो इस तरीके से ये जो पुलिस का गुडवर्क है ये एक बहुत बढ़िया गुडवर्क है। बहुत सारे लोगों की हम ये मानते हैं कि जान बचाई गई, मतलब कल को कोई घटना को रोक दिया गया, एक बहुत बहुत अच्छा काम किया गया। अगर कोई पीता तो क्या उससे बीमार पड़ सकता था, क्या उससे मर सकता था, ये मैटर आप क्लियर करते हैं? निसंदेह है, क्योंकि ये यूरिया मिला है और नकली शराब ये क्लियरली बनाई जा रही है, ये जहाँ से प्राप्त हुई है वहाँ पर किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड शराब बनाने की रजिस्ट्रेशन नहीं है ना ये लोग।